उत्तराखंड में जीवन ज्योति ट्रस्ट ग्रामीण इलाकों में फलदार पौधे बांटकर पौधारोपण का काम कर रहा है। भाजपा नेता नंदन सिंह खड़ायत के मुख्य आतिथ्य में ऐसा ही आयोजन किया गया, जहां खड़ायत ने कहा कि फलदार वृक्षों से पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, बल्कि इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। खटीमा के ग्राम बरी अंजनिया में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेता नंदन सिंह खड़ायत मौजूद रहे। खड़ायत ने कहा कि सरकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संस्था का ये शानदार कदम है। अब तक मंडी समिति की तरफ से 800 से ज्यादा वृक्ष दिए जा चुके हैं, जिसमें नींबू, आम, अमरूद, कटहल जैसे फलदार वृक्ष शामिल हैं। खड़ायत ने कहा कि फलदार वृक्षों से पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। संस्था के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट का उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। जीवन ज्योति संस्था द्वारा आज यहाँ पे वृक्षारोपण और वृक्ष वितरण का जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, मंडी समिति की ओर से हमने कुछ सहयोग किया है, कुछ वृक्ष संस्था को दिए हैं और लगातार इस संस्था द्वारा क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसमें जो है आप इसके अध्यक्ष माननीय ईश्वरी प्रसाद जी और अपना विश्वास जी, कई लोग इसमें कार्य कर रहे हैं और मंडी समिति की ओर से भी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण और वृक्ष वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्तमान समय में हम मंडी की ओर से 700 से 800 वृक्ष वितरित कर चुके हैं और कार्यक्रम भी लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो रही है, हम वृक्ष मंडी की ओर से वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहाँ है 600 से ज्यादा कंपनी टाई for placements, Atal Incubation Center for Nurturing Startups, Industry Academia Collaboration for Exposure of Real Industry World, 20 Centers of Excellence for Research, Sathi Global Festival, Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, Unlocking Potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।